एक हो और मैं अंत में कहता हूँ कि क्यों मरते हो मंदिर मस्जिद के लिए, क्यों मरते हो मंदिर मस्जिद के लिए? अगर मरना है तो मरो भोजपुरी समाज के लिए, अगर मरोगे भोजपुरी समाज के लिए तो लोग चंदा करेंगे करे खपन के। चैनल नाटक खरीदने के लिए कार्यक्रम कई बार बोला नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भोजपुरी भाषा को लेकर के कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। क्या कुछ कहेंगे सर, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत कुमार है, मैं लेक्चरार हूँ, विषय हमारा इतिहास है और हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं इसलिए क्योंकि भोजपुरी को संविधान के भाषा के तहत जो आज तक बोली का दर्जा प्राप्त है उसे भाषा का दर्जा मिले और भाषा का दर्जा तभी मिलेगा जब उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। दूसरी मुख्य बात यह है कि हमारे देश में अगर बोली भाषा नहीं बनती है तो उसे न साहित्य अकादमी से जोड़ा जाता है, न ज्ञानपीठ से जोड़ा जाता है, न ही किसी तरह के पुरस्कार में उस भाषा को शामिल किया जाता है। जबकि 1901 की जनगणना के अनुसार जो भोजपुरी भाषी लोग थे वो 1 करोड़ के आसपास थे और सरकार ने 2001 की जनगणना कराई उसमें भोजपुरी भाषियों की संख्या 3 करोड़ बताई। क्या यह संभव है? तो भोजपुरी भाषा को निश्चित रूप से घालमेल किया गया है इस भाषा के साथ। इवन कम बोली जैसे नेपाली कम बोली जाती है, भारत में नेपाली कम बोली जाती है, वो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा पाई। तो क्या यह हमारे हम लोगों के साथ हमारी मातृभाषा तो बहुत संख्या में लोग बोलते हैं। हमारे देश के कई बड़े बड़े सांसद हैं जो भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, निरहुआ हो, सबसे ज्यादा गाने भी पॉपुलर होते हैं वो भी भोजपुरी भाषा से होते हैं। तो फिर हमारी भाषा के साथ इस तरह दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जाता है? तो हम इसी मांग को लेकर के आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारी भाषा को, हमारी मातृभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल कराया। अगर नहीं होती है तो ये जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा, रिक्रूटमेंट बढ़ेगा यूनिवर्सिटी में। अभी बिहार सरकार ने, देखिए मजे की बात क्या है, बिहार सरकार ने भोजपुरी को यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई में शामिल कराया। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का काम वहाँ चल रहा है, उसमें भोजपुरी भाषा से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट हो रहे हैं। तो ऐसा अगर ये संविधान की 8वीं अनुसूची में ये भाषा शामिल हो जाती है तो देश की हर यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई और हर जगह रिक्रूटमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये एक रंगमंच से उठ करके, अच्छा आज एक और बड़ी बात है, रंगमंच के भोजपुरी भाषा के साहित्यकार और कहें भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी का जन्मदिवस है 18 तारीख और ये हमारा 18वां धरना है। लेकिन सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोग जो है इसमें गाने बनाते तो बड़े अश्लील। हाँ, मैं समझ रहा था कि अब आपका अगला सवाल वही होगा। देखिए अश्लीलता को हम कभी भी भाषा से जुड़कर नहीं देख सकते, अश्लीलता दो लोगों के दिमाग के ऊपर, वो तो हिंदी गानों में भी होती है, इंग्लिश गानों में भी है। लेकिन अगर इससे, क्योंकि भोजपुरी लोग समझ रहे हैं ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं तभी वो अश्लीलता को प्रमोट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ अश्लीलता है, मतलब लोगों में समझ है, चाहे वो भोजपुरी इंडिकेट हो रहा है, चाहे वो भोजपुरी बोले या भोजपुरी ना बोले। तो ये बहुत बड़ा एक संकेत, मतलब बहुसंख्यक लोग जो है भोजपुरी समझ रहे हैं। और अभी तक जो सबल्टर्न भाषा थी या भाषा मानी जाती थी भोजपुरी, अब वो बड़े लेवल तक पहुंच गई है, एलिट क्लास तक पहुंच गई है। तो निश्चित रूप से भोजपुरी का दर्जा जो है वो काफ़ी बढ़ा है और भोजपुरी को उसका सम्मान मिलना चाहिए। और जब तक वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होती है, जिस सम्मान को हम लोग चाहते हैं कि मिले भोजपुरी भाषा को, हमारी मातृभाषा को, वह नहीं मिल पाएगी जब तक वो संविधान की 8वीं अनुसूची में। कुछ मैसेज देना चाहिए? हमारा मैसेज ये है भारत की सरकार से, भारत की जनता से और हमारे क्षेत्र की जनता से लेकर के जहाँ जहाँ भोजपुरी भाषी लोग हैं,
वो सब लोग भोजपुरी के लिए आवाज़ उठाएं, अपनी मातृभाषा के लिए आवाज़ उठाएं, एकजुट हों और संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल कराने का प्रयास करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे जो भोजपुरी भाषी लोग हैं उनका उनका जो सरोकार है वो बढ़ेगा, सामाजिक ताना बाना बुलंद होगा हमारे भाषा का, और इस तरह से एक अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी को। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे अपील है कि वो संसद के शीत सत्र में इसको पास करा दें। आज भी अगर चर्चा कर लेते हैं इस पर तो एक आध साल में पास हो जाएगी, तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ठीक है सर।